हमारा मन ही हमारे आने वाले कल का निर्णय करता है। अगर आज हम बहुत ही उदास हैं, दुखी हैं, तो हम एक खूबसूरत कल की रचना नहीं कर सकते। एक खूबसूरत भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस भविष्य के दिखने से पहले हम उसकी छवि अपने जीवन में जागृत करें, अपने मन में जागृत करें, देखें कि किस तरह से हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमारी पहुंच में हैं, क्या क्या मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अपने आने वाले भविष्य का विचार ही नहीं किया तो कुछ भी घटेगा, और इस विचार को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ पैदा करने के लिए हमें अपने अंदर उसके वो बीज बोने पड़ते हैं जिससे हम उसकी सबसे संपूर्ण रूप से सृजनता कर सकें, उसको एक खूबसूरत भाव में अपने जीवन में ला सकें। भले ही हमारे आसपास के लोग, हमारे परिजन हमारे बारे में वो ख्याल ना रखें जो हम अपने बारे में रखते हैं, पर उससे हताश होना हमारा काम नहीं है। हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सिर्फ इस बात को जान के आप अपने जीवन में एक नई रचना कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दूसरों के विचारों के तहत ना चल के आज से तय करिए कि मैं स्वयं को किस रूप में देखता हूँ। आप सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना सीखिए, और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे सबसे अच्छे दोस्त की, और वो कोई और नहीं, आप स्वयं ही हैं। जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, दुनिया के सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं और आप कभी अकेले नहीं होते। तो आज के ध्यान में हम अपने आप से ही जुड़ेंगे। रोज ध्यान करने से आप स्वयं पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, आप अपने विचारों से ज़्यादा अच्छे से जुड़ेंगे। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आंखें बंद कर लें, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें और एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए। और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला होने दें। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। इसे रोकने के बाद अब इसे धीरे धीरे मुंह से छोड़ दीजिए और अपने कंधों को ढीला कर दें, अपने पैरों को हल्का होने दें। देखिए किस तरह से आपके पैर जमीन से जुड़े हुए हैं। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए, और सांस छोड़ते हुए अपनी छाती से, अपनी कमर से हर तरह के तनाव को बाहर चले जाने दीजिए। अपनी आंखों को हल्का छोड़ दें, आंखों के आसपास की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, हाथों को खोल लें जिससे कि जो भी ज्ञान आपको आज प्राप्त होना है वो आराम से, आसानी से आप प्राप्त कर सकें। ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाइए, किस तरह से सांस के साथ आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है। बिना आपके सोचे हुए आपका शरीर सदा आपका ध्यान रखता है, खाने को पूरी तरह पचाता है, स्वयं ही कभी नींद आ जाती है और आपके शरीर को वापस स्फूर्ति से भर देती है। किस तरह आप हर वक्त बिल्कुल आरामदायक तरीके से जी रहे हैं, जबकि शरीर के तरह तरह के अंग इस काम में जुटे हुए हैं कि आपका रक्त संचालन हो, आपका हृदय धड़के। सबसे पहले अपने शरीर के लिए शुक्रगुजार होइए, अपना आभार इस शरीर के लिए व्यक्त कीजिए। जब हम आभार से भरपूर होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो और सकारात्मक परिस्थितियाँ
हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। सही लोग हमसे जुड़ते रहते हैं जो हमारी खुशी को और बढ़ाते हैं। ऐसे लोग हमसे जुड़ते हैं जो हमें और प्रेरणा देते हैं और हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं। इस शांत स्थिति में देखिए कि किस तरह से आपकी सारी इंद्रियां सदा आपका ध्यान रखती आ रही हैं। देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, छूने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, इन सब की वजह से आप कितनी खूबसूरती से इस जीवन को भोग रहे हैं। और कितनी ही मुश्किल परिस्थिति हो, आप तब भी इन इंद्रियों का आनंद उठा रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने मन पर ले जाएं, अपने हृदय पर ले जाएं, अपने हृदय चक्र पर ले जाएं और महसूस करें अपने आत्मा को। जानिए कि मैं कौन हूँ। हर वो चीज़ जिसे मैं अपना कहता हूँ, क्या वो वाकई मेरी है? जो भी चीज़, व्यक्ति, स्थिति आपसे छिन सकती है, क्या वो वाकई आपकी है? तो फिर उनके लिए क्यों परेशान हो? क्या मुझे इन परेशानियों की ज़रूरत है? क्या मुझे विचलित होने की ज़रूरत है? इस समझ, इस विवेक को अपने अंदर बैठने दीजिए। मैं किसी के पैमाने पे उतरने के लिए नहीं जन्मा, पर मेरा जन्म क्यों हुआ? इस जीवन को फलित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और किस चीज़ में है असल आनंद? ऐसी क्या चीज़ भोगने से मुझे लगेगा कि इसके बाद मुझे और किसी आनंद की ज़रूरत नहीं, यही परमानंद है? इन विचारों को अपने अंदर घूमने दीजिए। इस शांत स्थिति में आपके अंतर मन से जो जवाब आएंगे, उन पर ज़रूर कुछ काम करें। कुछ पल इस शांत स्थिति में बैठते हैं और इन सवालों का हमारे लिए क्या मतलब है, उसको महसूस करते हैं। और अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने शरीर में वापस लेकर आएंगे। आज जो भी सवाल आपने किए, उनको अपने जीवन में हमें लेकर जाना है। कोई भी कार्य करने से पहले अब अपने आप से वो सवाल ज़रूर करें कि इस काम की मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए क्या अहमियत है, मेरे परम अस्तित्व के लिए क्या अहमियत है। और अगर कुछ भी बात ऐसी हो जो आपसे छिन सकती है, तो दोबारा पूछिएगा कि क्या मैं इसी के लिए जन्मा हूँ। अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लाते हुए चेहरे पर एक मन सी मुस्कान ले आए। इस गहराई में जाने के लिए तैयार रहें। हर दिन एक नई दिशा अपने आप को देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ध्यान पूरा शरीर पे ले आइए। कमर पर एक ऊर्जा महसूस करिए, आपके शरीर में चल रही है, प्रवाह हो रही है। शरीर को धन्यवाद कहते हुए अब धीरे धीरे हम वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसे अब अपनी आँखों पे रखते हुए धीरे से आँखें खोलिए। स्वागत है आपका।